दोस्तों, वंस अगेन आई वेलकम यू बैक ऑन करियर कोच विद शुभांकर। हर बार हमें करियर ऑप्शंस को लेके आपके सामने आते हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, ये सारी बातें हो चुकी। अब एक ऐसी करियर को लेके बात करेंगे जिसका सपना हर एक बच्चा देखता है, फिल्म इंडस्ट्री। तो आप बात समझ चुके हैं कि आज जो गेस्ट हमारे साथ होंगे वो फिल्म इंडस्ट्री से हैं। हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई 2019 में, बेसिकली नाम था उसका चिकन करी लॉ। चिकन करी लॉ जो है, ये मूवी एक विदेशी महिला पर, जिसके ऊपर यहाँ पे उसका शारीरिक शोषण होता है, उसके बाद जो है एक कंप्लीट जो फैक्टर जो काफ़ी दिनों से अरसे से चलता चला रहा है कि जो राजनीतिक दबाव होता है लॉ के ऊपर, इसको इन्होंने बहुत खूबसूरती से दर्शाया है। खैर, उसके बाद एक दौर चल पड़ा है। आजकल अगर देखें, फिल्म पिंक रिलीज होती है, बदला रिलीज होता है, हर एक चीज में कहीं ना कहीं हम कुछ एक सोशल डेमोग्राफी में हम लोग काम करते हैं। अभी अभी एक पिक्चर रिलीज हुई जो कि इस समय मार्केट में बहुत हिट बनी हुई है और सब लोग चाहते हैं कि उसे देखें, कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स भी एक सामाजिक उथल पुथल को दर्शाता है। चीजें अच्छी हों बुरी हों, लेकिन आज के दिन में समाज में अगर एक बड़ा बदलाव चाहते हैं तो हमें, हमारा एक मानना हो चुका है कि जैसे पहले पत्रकारिता को संविधान का चौथा स्तंभ कहा जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि इसके साथ साथ जो है फिल्म इंडस्ट्री भी शामिल हो चुकी है। आप पिछले एक आध दशक से लगातार देखते चले आ सकते हैं, एक मूवी रिलीज होती है, अचानक जो है एक पूरे प्रदेश का माहौल बदल जाता है। ऐसी ऐसी सेनाएं खड़ी हो जाती हैं, मैं नाम लेना पसंद नहीं करूंगा यहां पे। एक मूवी को चलाने के लिए, बंद करने के लिए समाज में आक्रोश भी होता है और समाज उस फिल्म को देखकर कुछ ऐसे रिएक्शंस, कुछ इस प्रकार की चीजें सामने आ जाती हैं कि जिसको देख के हम लोग को चिंता होने लग जाती है। तो आज हम बात करेंगे कुछ इन्हीं पहलुओं के ऊपर। तो चलिए आज करियर कोच पर बात करते हैं श्री शेखर सरीन जी से। शेखर सरीन जी, बहुत बहुत स्वागत करियर कोच विद शुभांकर के। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू शिखर जी। चिकन करी लॉ, ये अचानक लॉ तो ठीक है, ये चिकन करी बीच में से कहां से आ गया? ये सवाल जो है शुभांकर जी, काफी लोग मुझसे पूछते हैं और कहीं मैं अब ये इसका जवाब देते देते थक नहीं गया हूं, बट यस, इट इज समथिंग इंटरेस्टिंग है ये। जब मैं लिख रहा था तो मेरे जहन में काफ़ी चीज़ें चल रही थी और मैंने कहीं सोचा कि इसका जो टाइटल है, अब फिल्म चिकन करी लॉ, जैसे आप जानते हैं, इट्स अ ग्रे सटायर ऑन अवर जो हमारी न्याय प्रणाली है, उस पर एक ग्रे सटायर है। तो मैं चाहता था कि ऐसा कुछ टाइटल हो जो लोगों के जहन में बैठे। और एक और है कि कहीं आप अगर पिक्चर देखेंगे तो हमारे जो प्रोटोगनिस्ट है आशुतोष राणा साहब, इसको कहीं जस्टिफाई भी करते हैं। अगर ये सवाल आपने मुझसे पूछा है तो इसका एक जवाब यह है कि आपने सर हमारी फिल्म नहीं देखी है। नहीं, मैंने फिल्म देखी आपकी, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप गलत साबित हो। अच्छा जी, ठीक है। तो आपकी फिल्म बहुत अच्छे तरीके से देखी है। सो अगर आप एक और बार देखिए एंड यू विल गेट द आंसर व्हाई इट इज चिकन करी लॉ। बड़ी सुंदरता से हमारे प्रोटोगनिस्ट इस बात का जवाब देते हैं। हाँ। कि कैसे कानून को आजकल एक माहौल बना के रख दिया है। हमारी न्याय प्रणाली में कोई कमी नहीं है, बट यू नो उसकी अच्छाई को कुछ चंद लोग जो है तोड़ मरोड़ के किस तरह से उसका दुरुपयोग करते हैं, ये इसके बारे में फिल्म है। दैट इज व्हाई चिकन करी लॉ। ओके, तो कहीं ना कहीं चिकन करी से आप जो दर्शाना चाह रहे थे वो बेसिकली ये था कि मतलब एक लॉ का जो है उसके लूपहोल्स को लेके जो है और ये सब को लेके हम लोगों ने उसकी खिचड़ी बना डाली है जी, समहाउ लाइक दैट। अच्छा, इस पिक्चर में जहाँ की आपने अभी गलत कहा कि आपने नहीं देखी, अभी मैं आपको साबित कर दूंगा कि मैंने पिक्चर देखी हुई है। हमने मान लिया सर, आपने जो है उसमें दिखाया कि एक महिला, एक विदेशी महिला के साथ रेप होता है, वो बाहर से आती है, कुछ नेता जो हैं उसे बार से उठा के ले जाते हैं और उसके बाद जाके जो है उसका रेप होता है, उसको ड्रग कर दिया जाता है और ये होता है। कहीं ना कहीं इसमें एक चीज आपने और दर्शाई, वो था कि विदेशी परिधान से ये दिखाना कि वो इनवाइटिंग है। उस महिला ने स्पेशली ये चीज कहा कि मेरे कपड़ों से ये कैसे आपने मान लिया कि मैं
पुरुषों को मैं आकर्षित करने के लिए आया हूं, मैं आपको इसके लिए इनवाइट कर रही हूं। और बहुत जगह जो आपका जो 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 डिफेंस लॉयर होता है वो इस बात को प्रूव करने की भी कोशिश करता है, पूरी तरीके से कोशिश करता है कि उसको अपने परिधान से जो है उसने लुभाया। लेकिन कहीं ना कहीं साहब मुझे एक बात बताइए, आप लोग फिल्म इंडस्ट्री से हैं, जो ग्लैमर है जो कुछ है, और फिल्म इंडस्ट्री में आए दिन ऐसे खबरें आती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं नहीं लगता कि जो परिधान होता है, जो वेशभूषा होती है, वो भी कहीं ना कहीं ये वाकई एक ऐसा ट्रेंड दे रही है जहां लड़कों के साथ वो लोग शामिल भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे इंसिडेंसेस में बढ़ावा मिलता चला आ रहा है? जी, ये मुद्दा काफ़ी लोग उठाते हैं कि औरतों को ऐसे रहना चाहिए, भैया आप ऐसे कपड़े पहनो। मैं कहता हूँ कि सी आज वी हैव इवॉल्व्ड जी, है ना, और कहीं मैं मुझे लगता है कि अगर ये बात हम ये अगर मुद्दा उठा रहे हैं, सिंस वी हम कहते हैं कि वी आर इवॉल्व्ड, बट हमारी जो मानसिकता है वहीं पर अटकी पड़ी है जी, सो वी आर नॉट इवॉल्व्ड, है ना, हमारी मानसिकता अभी तक वहीं है, हम वही देख रहे हैं जो यू नो, अगर आपकी नीयत बुरी है वो लड़की 10 कपड़े पहन ले, अगर आपकी नीयत बुरी है तो भी बुरी है ना। तो यहाँ पे मुद्दा ये है कि लड़की के कपड़ों में खोट ना देखे, अपनी नीयत को देख ले, अपनी नीयत को साफ कर ले, सब समझ में आ जाए। बिल्कुल सही बात, आई एग्री कि अपनी नीयत को साफ रखा जाए। बार बार जो हम लोग समझ ये मुद्दा ना उठाया जाए कि कपड़े ही जो होते हैं वो एक कारण बन सकती हैं कि किसी को लुभाने के लिए, सिर्फ इस तरीके से, इस नजरिए से नहीं देखा जाता है। फिर दूसरी बात होती है कि जो लोग इस प्रोफेशन से इंक्लूडेड रहते हैं, जैसे कि बार डांसर्स हो गई या फिल्म में भी जो आइटम गर्ल्स हो गई, इन लोग हम लोग को लगता है जो लड़कों के दिमाग में आ जाती है इजीली अवेलेबल। मैंने इस फिल्म में दी मेन प्रोटैगनिस्ट जो लड़की है, व्हाट इज शी इज अ बेली डांसर। अब भाई बेली डांसिंग एक कला है कि किस तरह से वो बेली डांसर अपनी कला को दिखा के, अब भाई इट इज अ बेली डांस, बेली तो दिखेगी ही दिखेगी। सही बात है, है ना। अब आप बेली की जगह कुछ और देख रहे हैं तो ये आपकी योर माइंड इज करप्ट, सो सिंपल एज। लेकिन अब सीरिन साहब थोड़ा सा मुद्दे को हम आगे ले जाते हैं, ठीक है ना। बॉलीवुड आज के दिन में दिखाती है कि वो समाज में वाकई बदलाव लाने की कोशिश है, जैसे कि आपने भी एक प्रयास किया। आपने बिल्कुल सही बात की कि बॉलीवुड इज ऑल अबाउट कि हमने एक आस्पेक्ट दिखाया कि हमारे लॉ में समस्याएं क्या हैं, और एक जो कंसेप्ट, एक मेंटालिटी जो होती है उसके साथ आपने इसको दिखाया। खैर, लेकिन इसी के साथ साथ साहब अभी क्या है ना कि हमारे शो का नाम है करियर काउच। आप विश्वास माने, इस नाम को रखते समय कई बार इसका मजाक उड़ाया जाता है, और मजाक जानते हैं किस बात का उड़ाया जाता है, कास्टिंग काउच कहाँ से जुड़ा हुआ है? अच्छा, आप ही के इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है साहब, और किस लिए फेमस है वो अब आप मुझे बताएंगे। ये जो धारणा है कि भाई कास्टिंग काउच इज ओनली इन बॉलीवुड, ये गलत है। गलत होना तो कहीं किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है, जी। समझ रहे हैं आप बात को। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यार जिस तरह से आप देखोगे वैसे, अगर आपने अब मेरे शेड्स येलो हैं, अगर मैंने येलो शेड्स पहन ली तो मुझे पूरा येलो दिख रहा है। यू गेटिंग माय पॉइंट? ये अभी भी कह रहा हूँ कि बॉलीवुड में ऐसा कुछ नहीं है, कास्टिंग काउच नहीं है। आई एम सेइंग कि अगर आप उस तरह की मानसिकता, पहले तो आप ये बताइए, लेकिन है ना, हुआ एक ऐसा वीडियो सामने आती है, आपके यहाँ के बड़े बड़े जो कैरेक्टर्स थे, जो नामचीन कैरेक्टर्स थे, उनका नाम उछाला गया, मीटू का एक पूरा एक वो चला तो वही बॉलीवुड से। सुनिए सर, ये क्या होता है कि व्यक्तिगत रूप से होता है। अब मेरे लिए सिनेमा जो है, इट इज़ वेरी पायस थिंग फॉर मी, ये मेरे लिए इबादत है, समझ रहे हैं। अब मैं कैमरे पे ऐसी इंसिडेंट्स नहीं बताना चाहूँगा जिससे कुछ चीज़ें और खुले, दैट विल नॉट बी नाइस, बिकॉज आपका जो प्रोग्राम है ये करियर काउच है, बहुत सारे बच्चे इसे देखेंगे, सो आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज दैट एंड टॉक अबाउट दैट। बट सेइंग सो, सी अगर आपकी मंशा वैसी है तो वैसा तो होना ही है कहीं पे भी है। सीरिन साहब को एक कठिन प्रश्न पूछा और बहुत खूबसूरती से उन्होंने इस बात को घुमाया, लेकिन अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर। सीरिन साहब, आज के दिन में हर एक कोई चाहता है, सब में कुछ ना कुछ आर्ट होती है, आप में तो माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें हैं। आप गाने खुद ही लिखते हैं, आप कहानी भी लिख लेते हैं, आप फिल्म भी डायरेक्ट कर रहे हैं, आप म्यूज़िक भी डायरेक्ट करते हैं, म्यूज़िक कंपोज करते हैं, गाना गाते हैं,
कुछ दूसरों के लिए छोड़ते हैं कि सब कुछ खुद ही करते हैं इधर से, इसलिए लोग आपसे बहुत घबराने लगे। मैं ये डर रहा था कि आप और ये ना पूछ ले कि भाई खाना भी बना लेते हैं, झाड़ू भी लगा लेते हैं। एनीवेज जोक्स अपार्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट बच रहा है इससे। बिल्कुल हाँ, ये मजबूरी में किया था मैंने ये। आज मैं लोगों को बता दूं कि भाई जब आप पहली बार एक जब फिल्म मेकर बाहर आता है तो मजबूरी में ये सारी चीजें करता है ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट बचा रहे। बट खैर जोक्स अपार्ट, या संगीत से काफ़ी लगाव था मेरा बचपन से, काफ़ी जुड़ा रहा हूँ एंड लिखता भी था मैं जी। तो अभी माय पैशन इज टेलिंग स्टोरीज, राइट, टेलिंग मीनिंगफुल स्टोरीज, दिस इज व्हाट अभी जो मेन मुद्दा है वो ये है। सिरिन साहब एक और बात, चलिए आपके करियर से शुरुआत करते हैं, कैसे आए आप? मैंने सुना कि आप पहले इंजीनियरिंग कर रहे थे, आपने इंजीनियरिंग करते करते छोड़ दी, आपका पैशन कहीं और था, आपने फिर उस पैशन पर फॉलो किया, तो कौन सी दिक्कतें आई? एक मूवी बनाना मैं जानता हूं कि अपने आप में जो है बड़ा जद्दोजहद है, तो ये जो आपने सपना देखा उसके बाद फिर ये मूवी बनाने तक, वो भी आपने अच्छे खासे कास्ट को लेकर काम किया, कैसे, ये पूरी कहानी क्या थी? ये कहानी बहुत लंबी है। अच्छा, तो संक्षिप्त में बता देता हूँ आपको। ये था कि मैं जो है म्यूज़िक से रिलेटेड, मतलब काफ़ी प्रभावित था, गाता था, तो इन 10th स्टैंडर्ड में बार में जाके चुपके चुपके गाया गाता, गाने गाता था, मतलब बार में। अच्छा, और उससे होता ही नहीं, बैंगलोर में। बैंगलोर में, हाँ जी हाँ जी। तो ये घर वालों को बात पता नहीं थी। अच्छा, बिकॉज आई वॉज पैशनेट अबाउट म्यूज़िक सिंगिंग, तो मैं जाके गाता था और कुछ चंद पैसे भी मिल, अच्छे खासे मिल जाते थे उस समय। जी, 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 अगर आपको 500-600 मिल जाए तो इट वॉज वेरी बिग अमाउंट फॉर मी। तो ये बात मेरे भाई को पता चली एंड उन्होंने कहा, बड़े भाई हैं मेरे शंकर जी, तो वो एक दिन मुझे लेने आया कि यार तू रहता कहाँ है, कहाँ है, 12-1 बजे 2 बजे घर आता है, क्या चक्कर, माजरा क्या है? तो मैंने उन्हें ऐसे बताया कि भाई मैं जाके जो है बार में गाता हूँ। बोले यार ये क्या काम कर रहा है तू? बट एनीवेज वो आए, मुझे ले आ, स्कूटी पे हम बैठे और कुछ दूर चले। बैंगलोर में उस समय एक शूटिंग हो रही थी फिल्म की, तो शूटिंग हम देखने रुक गए एंड शूटिंग वो देख रहे थे। माय ब्रदर, माय एल्डर ब्रदर जस्ट ऐसी, मतलब टर्न करके मुझे कहते हैं कि यार हम भी एक दिन फिल्म बनाएंगे। अच्छा, समझ रहे हैं आप? अब उस वक्त जो हमारी हालत थी, जिस उस वक्त जो उस जो वक्त था, कभी सोचा नहीं था कि यस बॉलीवुड में बैठेंगे, एक फिल्म बनाएंगे, अच्छे मंझे हुए कलाकारों के साथ काम करेंगे। तो कभी कभी कहते हैं ना कि आपकी इच्छा अगर आप कहो, कोई सुने ना सुने कॉस्मोस जरूर सुन लेता है। जी जी जी, बिल्कुल सही बात। द हेवंस विल हियर यू। जी, कायनात उसको सही करने वाला है। पैशन आपका सही रहना चाहिए। द हेवंस विल हियर यू एंड हियर वी आर सिटिंग विद यू एंड टॉकिंग अबाउट माय फिल्म, एंड आगे भी हम फिल्म लखनऊ में कर, यूपी में करने वाले, उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, तो कोई ऐसा कोई आपने कुछ कोर्स या बेसिक कोई ट्रेनिंग ऐसा कुछ चीज़ की कुछ ली आपने की? नहीं, करते करते सीखा है सब। अच्छा, करते करते सीखा है। जैसे आई रिमेम्बर माय जिंगल्स काफ़ी करता था मैं। ओके, आई टू कंपोज जिंगल्स फॉर एड फिल्म्स, जिंगल्स गाता था मैं जी। एंड उसी से कुछ ऐसे मौके मिले कि मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाई। ओके, एंड वो मेरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है किसी टीवी चैनल के किसी क्रिएटिव हेड को पता चला कि यार ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बना रहा है, तो उसने बुलाया मुझे एंड ही ऑफर्ड मी अ जॉब ऑफ प्रोड्यूसर। अच्छा, तो पहला टेलीविजन में एज अ प्रोड्यूसर आई ज्वाइंट। आता कुछ नहीं था जी, अबाउट द टेक्निकल टर्म्स ऑफ टेलिंग अ कैमरा गाय हाउ टू टेक द शॉट एंड राइट राइट राइट। बट मेरी एक आदत है, आई यूज टू बिहेव दैट आई नो एवरीथिंग। जी जी, दैट एटीट्यूड हैज टू बी देयर, राइट। अगर right. आप में वो एटीट्यूड नहीं है, आई थिंक दिस इज अ ट्रेड सीक्रेट फॉर योर वन ऑफ दी स्टूडेंट जो आप सीख देख रहे हैं। जी, बट जी, इसे ओवर कॉन्फिडेंस ना लें। हाँ, सेइंग सो कि अगर आप ये कह रहे हैं कि मुझे पता है, बट उसको सीखने की कोशिश करें। एक तो आप कह रहे हैं कि भाई आप कितने अच्छे तैराक हैं, आपको पानी में डाल दिया गया, आप ये ना जताए कि आप जो है थोड़े कच्चे हैं। जी, बट सेइंग सो यू आर इन द स्ट्रीम, लर्न, राइट राइट, सीखिए आप, सही बात, एंड इन द फ्लो यू विल लर्न थिंग्स। तो सबसे ज्यादा दिक्कत किस बात पर आई जब आपने ये फिल्म सोचा, आपके दिमाग में कंसेप्ट आया, शायद लिखी भी आपने ने इसको पूरा किया, उसके बाद क्या इतना आसानी तो होता नहीं है, फाइनेंसर पा जाना, किसी ने एक प्रोड्यूसर तैयार करना जो कि
उनको लगे कि भाई नया डायरेक्टर है, क्या इसके ऊपर हम काम करें ना करें, कुछ ऐसी चीजें आपने झेली क्या? शुभांकर साहब, एक कहावत है जी, खून के आंसू रोना। जी जी, तो आप समझ सकते हैं जी, तो वो सहा है मैंने, वो ये चीजें हुई है मेरे साथ जी। बट सेइंग सो, यू नो, माय ब्रदर, माय एल्डर ब्रदर हैज ऑलवेज बीन अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, मतलब आज मैं हूँ यहाँ पे बैठ के बात कर रहा हूँ, तो एक ऐसा भाई, बड़ा भाई जो साथ में था एज अ पिलर, जो खड़ा रहा मेरे साथ जी, तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। आपने कहा दिक्कतों का सामना, ऐसी भी चीज़ें होती है कि आप नहीं स्टैंड कर पाते वहाँ पे, दी कॉम्पिटिशन इज सो कट थ्रोट। अगर आप कहते हैं कि जो कहते हैं ना, वट इज दैट, केकड़े अगर आप एक टोकरी में डाल देंगे, आप उसे उसको बंद करने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों बताएं? एक केकड़ा दूसरे को खींचता जाता है नीचे। सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। तो सेइंग दैट, बट यू हैव टू, यू मस्ट हैव दैट फाइटिंग स्पिरिट। राइट राइट, कि मैं वो केकड़ा हूँ, तुम साले मेरी टांग खींचोगे, मैं तुमको लात मार के ऊपर आ जाऊंगा। यू मस्ट हैव दैट फाइटिंग स्पिरिट होना चाहिए। यू मस्ट हैव दैट फाइटिंग स्पिरिट। अच्छा, हैविंग सेड दैट, सिरी साहब, मैं जानना चाहूंगा आपको क्या लगता है कि क्या हमारे फिल्म इंडस्ट्री जो है वो तैयार है नए लोगों को, नए अपॉर्चुनिटीज को, नए जो कलाकार आते हैं, चाहे वो एक्टर्स हों, चाहे डायरेक्टर्स हों, स्टोरी राइटर्स हों, स्क्रिप्ट राइटर्स हों, थोड़े से इनसिक्योर्ड है यहाँ के लोग, थोड़े से इनसिक्योर्ड है। मैंने कहा ना कि मैं वेरी हैप्पी कि आप बहुत ही ईमानदारी से और बहुत बेबाकी से आप हर बात को रख रहे हैं जी। बड़े इनसिक्योर्ड लोग हैं, बड़े इनसिक्योर्ड लोग, ये टैलेंट को बढ़ावा कम, यहाँ धंधा ज्यादा कर रहे हैं साहब, बुरी बात ये है। सी, फिल्म मेकिंग इज ऑल अबाउट, जैसे आपने कहा कि अच्छी फिल्में बने, मीनिंगफुल सिनेमा बने जी। जी, सिनेमा जो होता है एक आईना होता है सोसाइटी का जी। जी, आप दिखाएं तो लोगों को, इट्स नॉट मियर एंटरटेनमेंट। और आपने कहा कि नए कलाकारों को कितने ये अकोमोडेटिंग होते हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि मैंने तो काफी झेला है, एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो आज उस पड़ाव पे हैं जहाँ पे आप कहते हैं कि यार ये इन्होंने इतना काम किया, इतना सारा नाम किया, उनकी आप पिछली हिस्ट्री तो भागे देखें, बिल्कुल हर किसी कि कितने उन्होंने उन्होंने खून के आंसू रोए हैं, क्या क्या नहीं। हर कोई अपनी स्ट्रगल बताते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। चाहे मैं तो शाहरुख खान से लेकर सबकी बात सुनता हूँ, हर कोई जो है कहते हैं कि प्लेटफॉर्म पे जरूर सोए हुए होते हैं। हर किसी की कहानी होती है कि मैं 10 प्रोड्यूसर्स के पास भागा, किसी ने घुसने नहीं दिया, किसी ने चेहरा नहीं ताका, ये कहानियां बहुत सारी आती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि हम अपने यूथ को, जनरेशन, हम अब एक्स तो छोड़ दीजिए, वाई जेड अगर कि मैं बात करूं, तो जनरेशन वाई जी की तरफ हम कौन सी बात भाषा छोड़ रहे हैं, हम उनके साथ कौन सा मैसेज छोड़ रहे हैं, क्या वो साहस ले पाएंगे? देखिए, सेइंग सो, सेइंग सो, शुभांकर जी, मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आ रही है कि आज जो है, आज का जो नौजवान है उसके लिए प्लेटफॉर्म जो कि भरमार है यार, OTTs के आने की वजह से। नॉट ओनली OTTs, जस्ट सी, आज एक बंदा कुछ वीडियो बनाता है एंड यू हैव मिलियंस ऑफ लाइक्स ऑन दैट एंड वो स्टार बन जाता है। जब एक काचा बादाम बेचने वाला बंदा कहीं से कहीं पहुंच सकता है, सही बात है। आपके पास है, इफ यू आर टैलेंटेड एंड यू हैव दैट कन्विक्शन, एग्जैक्टली, यू हैव दैट पैशन, कहीं ना कहीं आपने किस्मत की जो वर्णन नहीं किया। किस्मत नहीं है साहब, किस्मत नहीं है, होती है, किस्मत बनानी पड़ती, लिखनी पड़ती। अच्छा, ये बहुत लोग कहते हैं कि भाई किस्मत होती तो हम भी अमिताभ बच्चन होते, तो ये गलत है फिर। अगर कन्विक्शंस जो है, देखिए, मैंने आपको कहा कि मैं खून के आंसू रोया हूँ, अगर वहीं पे अगर मैं किस्मत को बुरा मान लेता, मैंने कहा यार किस्मत नहीं है मेरी, मैं क्यों आगे बढ़ूं, तो आज आगे नहीं बढ़ पाते, आज मैं आपके साथ बात नहीं कर पाता। जुझारूपन अंदर होना बहुत आवश्यक है, अगर आप ऐसे लाइन में उतर रहे तो हर लाइन के कॉम्पिटिशन होती है, लेकिन आप उस जुझारूपन के साथ, ना कि भाई यू हैव टू बी अ वॉरियर, सर पे कफन बांध के निकलो। अच्छा, अब थोड़ा सा और करियर के विषय में जाते हैं, तो हैविंग सेड ऑल दिस, तो आपको क्या लगता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, FTIA जो है, इनकी जो रिलेवेंस है वो कितनी रहेगी फिर? इट्स गुड, I mean, at least you know the basic knowledge about your art. Right. That is fine. But मैं कहता हूँ कि फिर भी मैं कहता हूँ कि जो कला है, जो characters को पकड़ने की जो कला है, वो सिर्फ mere इन संस्थानों से नहीं आती है। जी. आपको ज़िंदगी को देखना पड़ेगा। मैं जब मेरे पास एक एक्टर आता है, कोई बच्चा आता है, वो कहता है कि बेटा क्या कर रहा है तू, यू वॉन्ट बी एन एक्टर, वॉट यू डूइंग? सर, मैं 7 घंटे 6 घंटे जिम करता हूँ। वेरी गुड। मैंने कहा तू पहलवान बन जा यार, तू ये क्यों कर रहा है यार पहलवान? मैं कहता हूँ उनको कि अगर एक्टर बनना है, जाओ बस में जाओ,
लोकल बसेस में जाओ, लोकल ट्रेन्स में जाओ, ऑब्जर्व करो लोगों के रिएक्शंस, लोगों को देखो, बोलने की शैली उनकी अलग है, उनके ढंग अलग है, मैं ऑब्जर्व द पीपल। सही बात है, ये कहना कि मैंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी से भी यही बात सुनी थी, मैंने उन्हीं की बात चुरा ली एक्चुअली, उनसे उन्होंने इस बात को कहा था कि मैं जब किसी चीज में चढ़ता था तो मैं देखता था कि अगला कैसे बोला, वो किसान जो होता है उसकी अपनी भाषा कैसे होती है, परेशान हुआ जो मजदूर होता है उसका हाव भाव कैसा होता है और उसको रिप्लिकेट करने की कोशिश करता था। यही कह रहा हूँ, सो सी लुक्स विल होल्ड ओनली फॉर से मैक्सिमम 5 मिनट्स। सही बात भाई, बंदा अच्छा दिख रहा है, आप देख रहे हो उसे, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कितना सा हो गया उसे। सही बात, सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, यू थिंक अबाउट योर आर्ट, योर वेपन इज योर, आपकी जो कला है, आपकी जो एक्टिंग स्किल्स है, दैट इज योर वेपन, उसको निखारो, बाकी सब ठीक है। अच्छा शेखर साहब, एक और चीज, मैं एक बात की बड़ी सराहना करता हूँ, आपने कभी ये कोशिश नहीं की, एक बहुत अच्छा आपने खूबसूरत बैलेंस अपने पिक्चर में बनाया, जहाँ पे आपने बड़े मजे कलाकारों को भी साथ लिया और वहीं पे आपने कुछ क्षेत्रीय कलाकारों को भी आपने जगह दी। अभी मैं सुन रहा था कि हमारे बड़े फेमस आरजे हैं साहब, है ना, विक्रम साहब, आरजे विक्रम, तो लखनऊ जैसे शहर में तो अपने आप में सेलिब्रिटी साहब जो आरजेज हैं वो रोज आ रहे हैं, अपने आप में बड़े सेलिब्रिटीज हैं, अचानक उनका भी एक पहलू सामने आया कि उनको भी आप शायद अगले फिल्म में शायद उनको चांस दे रहे थे, तो बेसिकली क्या चीज होती है, उनकी आवाज या उनका लुक या कोई और पहलू? नहीं, लुक्स इज अ फैक्टर, जब आप कैरेक्टर सोच रहे हो तो लुक्स एक फैक्टर होता है जी, एंड व्हेन यू आर एक, देखिए एज अ राइटर ना आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती है, ऑलराइट, विभिन्न कैरेक्टर्स जो जो आप प्रकरण जो आप लिखना चाहते हैं, जी जी, यू गेटिंग माय पॉइंट, बहुत सारी चीज। मेरी बेटी कभी कभी पूछती है आप हंस क्यों रहे हैं, तो मैं उसको जवाब नहीं दे पाता हूँ, मैं हंस क्यों रहा हूँ, बेवजह आप मुस्कुराते, बेवजह आपका मूड खराब हो जाता है। अच्छा। तो एज अ राइटर यू नो बहुत सारी चीजें हम लोग सोचते रहते हैं। अच्छा। तो जो विक्रम को देखा था, मेरे जहन में एक कैरेक्टर चल रहा था ऑलरेडी। अच्छा, ओके। तो मैंने कहा यार विक्रम, ये मैंने उसको बताया नहीं, एंड जब प्रोग्राम चल रहा था, मैं यकायक मेरे मुंह से निकल गया विक्रम, और उसके बाद में प्रोग्राम के बाद में आई जस्ट गिव हिम अ स्मॉल टोकन, राइट। तो मैंने कहा यार, कुछ अरसा हो गया था बिकॉज कोविड ओविड हो गया था, जी जी जी, मैंने कहा यार वो रकम फंसी है विक्रम, उसको वसूल करना है, उसको वसूल करना है, तो इसीलिए विक्रम इज अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन, मैं छोटा भाई की तरह है वो, एंड वो करेगा काम अगली फिल्म में। तो इसी तरीके से कुछ क्षेत्रीय कलाकारों को आप कैसे करके ढूंढते हैं, कैसे करके आप अपना कलाकार ढूंढने का वो रहता है, एक स्कूल का बच्चा है उसमें एक्टिंग की जो है उसको लगता है कि उसके अंदर ये प्रतिभा है, वो करना चाहता है, स्कूल के प्लेस में पार्ट लेता है, पार्टिसिपेट करता है, ऐसे बच्चों के लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज आप दे सकते हैं कि वो बच्चा भी आपके ऑडिशन तक आ सके, आप उसको जांच सके, हो सकता है एक आध और इस तरीके से जो कैरेक्टर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाए? अब जो ये जो हम जो फिल्म करने जा रहे हैं यूपी में बावरा, रुझान यही है कि रीजनल टैलेंट को निखारा, बावरा ये कहीं बैजू बावरा से तो जुड़ा नहीं हुआ? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि, बट यस, बावरा इज अ स्टोरी ऑफ अ क्रेजी गाय इन क्वेस्ट इन सर्च ऑफ हिज लव। ज्यादा मैं म्यूजिक क्या म्यूजिकल होने जा रहा है क्या ये? संगीत एक महत्वपूर्ण पार्ट है फिल्म का, बट इट्स नॉट अ म्यूजिकल, बट इमोशनली आई एम श्योर ये फिल्म आपको चिकन करी लॉ से, जो मेरी पिछली फिल्म है, उससे ज्यादा आपको ये अपील करेगी, आशा करता हूँ, ऐसी आशा करता हूँ। तो अच्छा, आप ये कह रहे थे कि जो बच्चे, नए बच्चे जो आ रहे हैं, जी जी बताएं, मैं यही कह रहा हूँ कि उनके पास आज ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, सो हमारे भी जब ये बावरा शुरू होगी, वी विल पुट इन आउट द ऑडिशंस, और अगर कोई बच्चा, तो ये लखनऊ बेस्ड है क्या, मेरे मतलब यूपी बेस्ड है? यूपी बेस्ड है, ओके। जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो किस तरह से ऑडिशन में आए, ये इस बात का जिक्र किया आपने, तो हम जो ये फिल्म बनाने जा रहे हैं बावरा, हम यही चाहते हैं कि जो ये लोकल बच्चे हैं, यूपी के बच्चे हैं, ये आए, और अगर टैलेंटेड है तो बिल्कुल हमारी तरफ से इन्हें मौका है, ओपनिंग है, बट बशर्त ये है कि दे मस्ट कम विद पैशन, दैट पैशन आई मस्ट सी, आई मस्ट बी कन्विंस अबाउट दैट पैशन, एंड वो कला मुझे दिखे तो व्हाई नॉट। देखिए, एक बात बहुत अच्छी बात है, सिरिन साहब ने कहा कि वो कैरेक्टर्स जो है वो आम लोगों में ढूंढते जाते हैं, उन्होंने इसी प्रकार से जो है एक रेडियो चौकी में अपना एक कैरेक्टर ढूंढ के निकाला, उनको एक ऑफर दिया और अगले पिक्चर में उनको शायद कोई एक मेजर रोल में ला रहे हैं, और ये सब बातें सुन के मैं बड़ा
ऑप्टिमिस्टिक फील कर रहा हूँ। मुझे तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे कैमरा के पीछे खड़े हुए प्रोड्यूसर्स और एडिटर्स बड़े ऑप्टिमिस्टिक फील करने लगे सबके चेहरे पे। यहाँ पे मैं आपको सबको तो कैमरे पे दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन सबके चेहरे पे मुस्कुराहट खुल चुकी है। तो ये एक फायदा होता है जब आप किसी फिल्म निदेशक को अपने स्टूडियो आमंत्रित करते हैं, है ना? राइट, तो आई कैन सी द स्माइलिंग फेस ओवर हियर, लाफिंग, थैंक यू, लाफिंग एंड स्माइलिंग। तो सिरिन साहब, फिर से वापस मैं उसी मुद्दे पे आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा सीरियस मुद्दा इसी फिर से। सर, एक पिक्चर बॉलीवुड में तैयार होती है, बॉलीवुड कहते ही दिमाग में एक ही जगह आती है, मुंबई, राइट? पिक्चर लेकिन आजकल ज्यादातर स्कैटर्ड वे में बनती है, हर एक जगह से लिया जाता है। आप लोगों की बड़ी खूबी होती है, आप चाहो तो बनारस में जाके कश्मीर दिखा दें, कश्मीर में जाके आप भुवनेश्वर दिखा दें, कुछ भी आप लोग कर सकते हैं। तो सर एक बात बताइए, जो क्षेत्रीय मूवीज के दायरे में तो नहीं ला दिया जाता कहीं ना कहीं? ये लगता है कि नहीं, यूपी में कर दिया तो यूपी में, तो क्योंकि यहाँ पे फिल्म बंधु है, उसके भी कुछ अपने जो है फंड्स हैं, जिसको पाने के लिए काफी लोग बाहर से आते भी हैं उस पर से, और हर्ज नहीं है क्योंकि फंडिंग है इस वजह से ताकि यूपी को प्रमोट किया जाए, और आप ही लोगों की वजह से यूपी प्रमोट होता है। तो सर, तो बॉलीवुड में इसको क्षेत्रीय मूवीज की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है? कहीं ना कहीं हम लोग उसको कैटेगराइज कर देते हैं, बी क्लास मूवी, सी क्लास मूवी। ऐसा नहीं, ऐसी इतनी ही फिल्में मैं आपको कमर्शियली सक्सेसफुल सिनेमाज में आपके नाम गिना दूं आपको, जो यूपी में शूट हुई, क्षेत्रीय लोगों ने काम किया, टेक्नीशियंस उन्होंने काम किया, और राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा किया। एनीथिंग यू कैन यू नेम इट, आप नाम गिनते जाए मैं बताते जाऊँगा आपको। तो कहने का मुद्दा ये है कि इट इज़, एंड आपने फिल्म बंधु का भी मुद्दा उठाया कि भाई आप यू आर सो अकोमोडेटिंग कि आप, हम आते हैं तो आप सब्सिडीज देते हैं हमें और ये सारी चीज़ें। अच्छा, मैं ये मुद्दा जो है बहुत से लोगों से डिस्कस भी कर चुका हूँ कि यूपी में जो फिल्मों में जो है यूपी की छवि, बिहार की छवि इतनी अच्छी नहीं दिखाई गई है लोगों ने, है ना? कि भाई होता ही है कि अमूमन कि भाई यूपी का बंदा है तो सैंड माफिया होगा, बात बात पे कट्टा निकाल लेता होगा, है ना, गाली गलौज करता होगा। मेरी मुझे भी 2 इंच जो है बड़ी हुआ करती थी, हाँ, यहाँ मीडिया में आते आते वो छोटी हो गई, छोटी हो गई है। कौन क्या भाव सोच रहे हैं, ना? अब मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था आपको देख के, मैंने कहा नहीं, ये तो बड़ी फ्रेंडली है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप इतने अच्छे सीधे भोले हैं, अब आपने यही कहा कि भाई आप उनको सबासी भी देख के भेजते हैं सब्सिडी के माध्यम से, क्या बढ़िया, अपने नाम खराब किया और क्या। लेकिन तो, क्या सब्सिडीज वाकई इजी है? मतलब इजी तो कुछ भी नहीं है, इट्स नॉट फॉर एवरीबॉडी, उसके दायरे होते हैं, कैटेगरीज होती है, उस हिसाब से इफ यू आर एलिजिबल आपको मिलती है। बट कहने का मुद्दा ये है कि ठीक है भाई, एक फिल्म में प्रोटोगोनिस्ट भी होता है, एंटागोनिस्ट भी होता है, वो हम मान रहे हैं बात को, बट हम, मैं अपनी बात कहना चाहूँगा कि हम सेवन हिल्स सिने क्रिएशन से ऐसी फिल्में बनाना चाहेंगे जहाँ पे छवि धूमिल ना हो। Right, भाई right. एक कहानी में फंड दूसरी चीज है, लेकिन fund, ये हो नहीं सकता है। फंड की वजह से अगर हम फिल्म बनाएंगे जी, जी, जी. तो फिर कुछ और करना पड़ेगा, फिल्म में नहीं बनाया। अच्छा, क्या ये इसी के साथ, क्या ये नहीं हो सकता जब आप लोग एक बजट के साथ आते हैं तो जिस दौरान में शूटिंग होती है उस समय बच्चों के लिए ट्रेनिंग का एक सेशन खोल दिया जाए, बच्चे उसमें ट्रेन भी, वेरी गुड आइडिया, और देखे भी, पिक्चर भी देख रहे हैं, वेरी वेरी लवली आइडिया। वे जो फिल्म बनाने जा रहे हैं बाबरा, ये रुझान यही है कि जो एडीज होते हैं फिल्म के, ये नए बच्चे काम करें, ये आए सीखें देखें जी, एंड आगे बढ़े, यही तो चाहते हैं हम। बहुत अच्छी बात है, और मैं आपको बिल्कुल ऑन स्क्रीन, मैं आपको वादा करता हूं कि करियर काउच की टीम, यहां तक कि प्राइम टीवी की टीम, ये आपके साथ बहुत मजबूती से खड़ी होगी। जहां तक बात आती है कि एजुकेशन स्प्रेड करने की बात आती है, वी आर वेरी सीरियस अबाउट इट, और हम चाहेंगे जब आपकी शूटिंग जी बहुत जल्द से जल्द शुरू हो जी, ये तो हमारी ऐसी कामना है, ऐसी शुभकामना है आपके साथ, और कहीं ना कहीं हम आपसे ट्रेनिंग के माध्यम से जुड़े। थैंक यू सो मच। सो सिरिन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, लवली टॉकिंग टू यू। लखनऊ तक आए, आप हमारे स्टूडियो पे आए, और आपने इतनी खूबसूरती से और बेबाकी से आपने इन बातों को सामने रखा। आई एम श्योर मैंने जो भी कहा वो अच्छा लगा लोगों को। मैं थोड़ा इमोशनल होके बोलने वाला इंसान हूँ, पता नहीं क्या बोल दिया। आपने बहुत अच्छा बोला, और हमें वाकई बहुत खुशी है। मैं अपने आप को वाकई बहुत लकी महसूस करता हूँ, खुशनसीब महसूस करता हूँ कि मैं आज आपको होस्ट कर पाया। थैंक यू सो मच। सो व्हाट टू यू शिमुल। हे
हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने बात की फिल्म निर्देशक शेखर सिरीन जी के साथ। तो आज जो है वो फिल्म करियर के ऊपर कुछ नए अवसरों के बारे में हमसे चर्चा की। तो हाँ दोस्तों, आप लोगों में से जो फिल्मी दुनिया में अपनी पाँव रखने के लिए तैयार है और जिनको पैशन है फिल्म एंड एक्टिंग के ऊपर, तो प्लीज़ हमसे संपर्क करें। करियर काउच गुरु में कुछ ऐसे वर्कशॉप्स हम अभी बहुत जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे आप ज़रूर हमसे संपर्क करें। और देखते रहिए करियर काउच विद शुभांकर एवरी संडे एट 9 PM ओनली ऑन Prime TV। थैंक यू, टेक केयर।